आज देश को बड़ा तोहफा देंगे प्रधानमंत्री। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी, सीएम योगी ने किया मुआयना। लॉकहेड मार्टिन C-130 हरकुलिस से दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे पीएम, मुख्यमंत्री करेंगे स्वागत। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद होगा आधे घंटे का एयर शो, लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपना दम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 10 घंटे में पूरा होगा गाजीपुर से दिल्ली का सफर, 22,495 करोड़ की लागत से तैयार। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले कुछ लोग दूसरों की पट्टी पर उतारते हैं अपना जहाज। समाजवादी पार्टी ने जारी किया वीडियो, सपा का काम जनता के नाम। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा मुठभेड़, 2 आतंकियों को मार गिराया, एक सीमेंट कारोबारी भी मारा गया मदद करने का आरोप। टॉप फ्लोर पर छिपे थे आतंकी, सरेंडर करने के लिए कहने पर की फायरिंग। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 के करीब। कल शाम से घेराने लगी स्मॉग की चादर, कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदूषण को लेकर आज आपातकालीन बैठक, दिल्ली यूपी हरियाणा पंजाब में मुख्य सचिव रहेंगे मौजूद। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से कहा 2 हफ्ते तक पराली जलाने पर लगाएं रोक। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में बंद है स्कूल, 17 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर लगी है रोक। किताब में हिंदुत्व पर बयान को लेकर बढ़ी सलमान खुर्शीद की मुश्किलें, घर पर तोड़फोड़ और आगजनी। सलमान खुर्शीद के घर के बाहर उपद्रवियों ने की नारेबाजी, पुतला दहन के बाद बड़ा बवाल। सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया फिर साधा निशाना, बोले मुझ पर नहीं हिंदुत्व पर है हमला। अमरावती हिंसा को लेकर नवाब मलिक बोले महाराष्ट्र के खिलाफ गंदी साजिश। अमरावती हिंसा को लेकर नवाब मलिक ने बीजेपी को घेरा, बोले रजा एकेडमी से रहे हैं आशीष सिलार के रिश्ते। राजस्थान में भी किस्मत आजमाएगी ओवैसी की पार्टी, 1 से 1.5 महीने में होगी शुरुआत। प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में पंजाब के लोगों के लिए आरक्षण ला सकती है चेन्नई सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगेंगे अंडा और नॉनवेज के स्टॉल। दरभंगा में पंचायत चुनाव के दौरान जोरदार बवाल, मारपीट के बाद रोड़ेबाजी, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बिहार के मोतिहारी में पंचायत चुनाव में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट, डीएम की गाड़ी पर भी हमला। टी20 वर्ल्ड कप से लौटते ही बुरे फंसे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, मुंबई एयरपोर्ट पर 2 घड़ियां जब्त। घड़ियों की कीमत 5 करोड़ आंकी जा रही है, हार्दिक ने नहीं दिखाए पेपर, जांच में जुटी कस्टम की टीम। नोएडा में फैक्ट्री के बेसमेंट की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, ठेकेदार फरार। मुंबई के कांजूरमार्ग में सैमसंग मोबाइल के सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, देखते देखते 3 और कंपनियों को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू, 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। जाकिर नाइक के एनजीओ पर बढ़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने लगाई 5 साल की पाबंदी। यूपी में भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है जेडीयू, सूत्रों के मुताबिक 20 सीटों की रखी मांग। 3 दिनों के दौरे पर कोलकाता पहुंच रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, 2024 तक राज्य के कोने कोने तक आरएसएस को पहुंचाने का लक्ष्य। करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार, सुरक्षा की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय दे सकता है हरी झंडी। अगले 2 साल में होगा 75 नई वंदे भारत ट्रेन का परिचालन, पीएम मोदी का ऐलान। ट्रेन में चढ़ने समय प्लेटफॉर्म और गाड़ी के बीच फंसा पॉइंट मैन ने भागकर बचाई जान, 500 मीटर खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। ब्रेक फेल होने से स्कूल से भरा ट्रैक्टर, एक शख्स की मौत, महिला जख्मी। मुंबई एनसीबी को बड़ी कामयाबी, नांदेड़ से जब्त करीब 1,000 किलो का गांजा। पेट्रोल महंगा होने पर गैस से दौड़ाई बाइक, जुगाड़ तकनीक से डिग्गी पर फिट किया गैस किट। नवनिर्वाचित मुखिया की दिन दहाड़े मारी गोली, सियासी रंजिश में हत्या का शक। पुलिस के बर्बरता का वीडियो वायरल, जगधात्री पूजा के विसर्जन के दौरान चोर होने के संदेह में 2 युवकों की सरेआम पिटाई। दिन दहाड़े तमंचे दिखाकर फैलाई दहशत, वीडियो वायरल होने के बाद 1 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत, 14 लोग घायल। पटना में 45 लाख रुपए की लूट, पूर्व मंत्री वीणा साही का पैसा लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था कर्मचारी। तमिलनाडु के विरुधनगर में अवैध पटाखों की दुकान में विस्फोट, 2 लोग घायल। महोबा में जमीन के नीचे दफन नशे का जखीरा बरामद, करीब 4200 लीटर शराब समेत भट्टियां जब्त।
केरल में भारी बारिश से अब तक 3 लोगों की मौत, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। केरल में भारी बारिश का कोहराम, मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बद्रीधाम में लगातार गिर रहा है पारा, रात में 0 से 4 डिग्री नीचे पहुंच जाता है तापमान, 5 दिनों बाद बंद होंगे कपाट।